हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरी क्या जितनी भी होम मेकर और हाउस वाइफ्स है उनकी उनका मॉर्निंग तो किचन से ही स्टार्ट होता है और किचन पे ही ख़त्म भी होता है, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ, खिचड़ी बनाने जा नहीं रही हूँ। यहाँ पे मैंने लग गया क्योंकि सैटरडे को हम ट्राई करते हैं कि खिचड़ी खाएँ। और आस्था चली गई है स्कूल कराटे क्लास, वो कराटे क्लास से आएगी तो उसको लंच करवाना है। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो बस मिलती हूँ स्टोर में। तो हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो बस और आस्था और रमू अभी फ़िलहाल तो थोड़ा ज़्यादा, आस्था तो टायर्ड हो गई थी कराटे क्लास से आने के बाद, तो वो बस कार में बैठी हुई थी। और यहाँ पे है कॉस्को और इसी के पास में ही होम गुड्स था, तो मुझे होम गुड्स में जाना था। तो मैं और आस्था होम गुड्स चले गए और संकेत और रमू चले गए कॉस्को में। तो यहाँ आस्था अंदर जा रही है, हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ना एंट्रेंस पे ही एंटर करते ही आपको ना यहाँ पे सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे। तो मुझे डेकोरेटिव आइटम्स नहीं लेना था, मुझे कुछ और लेना था जो कि मुझे मिला नहीं, पर मैं लेके कुछ और आई। तो यहाँ पे मैं किचन सेक्शन में आ गई। यहाँ पे बड़े ही प्यारे से टी पॉट्स थे, आप देख भी सकते हो कितने प्यारे हैं। और यहाँ पे वॉस थे और ये छोटा सा बर्ड था जो ग्लास का था, बहुत ही क्यूट क्यूट डेकोरेटिव स्टफ्स थे। बट क्या है ना कि सब अच्छा तो लगता है पर जब खुद का घर होता है ना तो डेकोरेट करने में अच्छा भी लगता है। और हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है मिल्क मग टिंकर बेल का, और ये सबसे क्यूट मुझे ये मिनी माउस का मिल्क मग लगा। और सारे जितने भी चीज अभी स्टोर में मिल रहे थे ना, सब क्रिसमस से ही रिलेटेड मिल रहे थे, थीम से रिलेटेड थे। और ये था कैंडल होल्डर जो आस्था ने अभी पकड़ा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे वो नट क्रैकर के साथ अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और ये रहे सेंटा और ये वास मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे लगा था कि ये इंडियन ही होगा और निकला भी ये मेड इन इंडिया, सॉरी इंडियन नहीं मेड इन इंडिया होगा। तो ये सब फ्लावर वास थे। और उसके बाद से मतलब इतने अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स थे ना, और ये सब डोर में हैंग करने वाले थे, सब क्रिसमस थीम से ही रिलेटेड थे। उसके बाद मैं आगे इस सेक्शन में, फिर मुझे यहाँ पे ना वुडन एक जो हम रोटी बनाने के लिए चकला बोलते हैं जिसको मैं तो चकला बोलती हूँ, वो मुझे मिला। और ये भी मेड इन इंडिया ही था, शायद ये लोग इसको केक स्टैंड की टाइप से यूज़ करेंगे पर मैं ले नहीं पाई। और ये चौकी था जो हम पूजा में भी यूज़ कर सकते थे, वो भी मतलब मेड इन इंडिया ही था। और यहाँ पे जो डेकोरेटिव आइटम्स ये वाला था ना, ये वाइट वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैं बिलिंग काउंटर पे गई, फिर मैं संकेत के साथ निकल गई घर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो बस मैं घर पहुँच गई हूँ। तो मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ और मैंने सबसे पहले निकाला है ये जो कि $2 का था। और ये ना कुछ इस टाइप का दिखता है। और मैंने ये इसलिए लिया था ना कि समर में हम लोग कैंपिंग करते हैं या कभी कुछ खाना वाना अगर रखना है तो इस बैग में ये थोड़ा सेफ़ रहेगा, तो इसको कार के ट्रंक में लेके जा सकते हैं। और ये वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए मुझे लगता है इसमें आइस भी क्यूब भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया था एक ये बैग। और सेकेंड मैंने लिया था ये लंच बॉक्स जो कि मुझे ना ग्लास वाला चाहिए था, जो कि मुझे ग्लास वाला नहीं मिला और इसका प्राइस था सिर्फ $5। तो ये टेम्प्रेरी लंच बॉक्स है, मैं ग्लास वाला लेकर के आऊँगी मैं जाऊँगी तो। और इसका प्राइस था $5 only $5। तो फिर सेकंड मैंने लिया था ये डिश रैक, क्योंकि मुझे ये इस टाइप का डिश रैक चाहिए था। मेरे पास एक पहले से था पर क्या था ना कि उसमें जब भी मैं बर्तन डालती थी वॉश करके ना, तो उससे ना सारा वाटर बाहर आ जाता था। तो मुझे डिश रैक ऐसा चाहिए था, ये देखिए। और इसके अंदर में ये जो ट्रे है ना, ये इसे इसमें अगर हम बर्तन डालते हैं तो इससे बाहर नहीं जाता है। तो ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी तो मुझे फाइनली ये मिल गया। और ये कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे स्पून्स रखने के लिए हैं और ये
प्लेट्स रखने के लिए, और इसका प्राइस था $13। तो बस मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और अमू आ गई है, ये इसको टॉय समझ के लेके जा रही है। तो बस मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, और एक अपनी